देंगे तो इक्विपमेंट या जो भी गाड़ी मोटर व्हीकल डेबिट हो। 39 के बाद 40, अब्दुल सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जफर। अब देखिए दो पार्टीज अगेन, एक अब्दुल और एक जफर। विच एंट्रीज विल जफर मेक इन इट्स लेजर। हम जफर है, जिसका लेजर है वो हम। यार देखो अब्दुल हमें गुड्स सेल कर रहा है, हम कौन है? जफर। हमें कौन गुड्स बेचेगा, कस्टमर या सप्लायर? सप्लायर बेचेगा। हम जफर है, अब्दुल के लिए सेल्स है, लेकिन हम जफर है, हमारे लिए क्या है? परचेज। तो यार देखो जब मैं उधार पे माल खरीदूंगा एंट्री क्या बनेगी? परचेज डेबिट, सही है जी, परचेज अकाउंट डेबिट। और मैं कौन हूँ? जफर, तो मैं अब्दुल का अकाउंट क्रेडिट करूँगा। अब्दुल मेरा कौन है? सप्लायर। परचेज डेबिट और अब्दुल क्रेडिट। लेकिन वो जो परचेज डेबिट हो रहा है, हमें सिर्फ यहाँ जनरल एंट्री नहीं बनानी, लेजर भी बनाना है। परचेज का अकाउंट कौन से लेजर में होगा? परचेज का अकाउंट होगा जनरल लेजर। और अब्दुल सप्लायर है, सप्लायर का अकाउंट कौन से लेजर में होगा? परचेज लेजर में। तो पता ये चला भाई अब्दुल क्रेडिट तो होगा, सही है ना, लेकिन अब्दुल का अकाउंट जनरल लेजर में नहीं होता बल्कि परचेज लेजर में। यार सारे सप्लायर परचेज लेजर में, सारे कस्टमर सेल लेजर में, और उसके अलावा जितने भी अकाउंट कौन से, सेल, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सब कहाँ होंगे? जनरल लेजर। तो पता ये चला मेरे भाई कि परचेज लेजर जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और परचेज का अपना अकाउंट कहाँ होगा? जनरल लेजर में, वो डेबिट हो जाएगा। तो आंसर क्या बना?